जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी अपने निर्वाचन क्षेत्र मऊ जा रहे थे। दोपहर करीब 12:30 बजे मोहम्मदाबाद कोतावली के उसरी चट्टी पर उनके काफिले पर हमलावरों ने ऑटोमेटिक हथियारों के साथ फायरिंग की थी। इसमें मुख्तार अंसारी के गनर की मौत हो गई, एक हमलावर की भी मौत हुई। जज रामसूत सिंह की अदालत में 21 वर्ष पुराने बहुचर्चित उसरी चट्टी हत्याकांड में सोमवार को गवाही होनी थी। कोर्ट में गवाह रमेश राम पुलिस सुरक्षा में उपस्थित थे। इधर आरोपी ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होना था, लेकिन वाराणसी कोर्ट से तकनीकी खराबी के कारण उनकी उपस्थिति नहीं हो पाई। गोली चलने के दौरान मुख्तार अंसारी के साथ चलने वाले पुलिस कर्मी भी घायल हो गए थे। इस मामले में मुख्तार अंसारी ने ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को नामजद और 15 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। इसमें से 2 आरोपी की इन्वेस्टिगेशन के दौरान मौत हो गई। पिछले कई तारीखों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिंक न मिलने के कारण ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह अदालत में हाजिर नहीं हो पा रहे थे, जिससे रमेश राम की गवाही नहीं हो पा रही थी। यूपी के 2 बाहुबली, जिनके समर्थक पहले एक दूसरे के सामने आते थे, ये तय था कि गोलियां चलेंगी, लाशें गिरेंगी, लेकिन इस समय शायद वैसा नहीं था। अब ये दोनों बाहुबली एक दूसरे के सामने आने वाले थे, एक ही कैमरा में, एक ही कोर्ट रूम में। न कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न ही कोई बहाना। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने तलब किया है, और यही वो घटना है जिसे कहा गया है उसरी चट्टी की घटना। बहरहाल मुख्तार अंसारी खेमे को एक लंबे समय तक भरोसा था कि इस हमले में ब्रिजेश सिंह की मौत हो चुकी है। इस घटना को कवर करने वाले बनारस के पत्रकार पवन सिंह बताते हैं, शोर हुआ कि ब्रिजेश सिंह मारा गया। कहा यह भी जाता है कि खुद मुख्तार चीख चीख कर कहता रहा कि ब्रिजेश को मार दिया गया। घटना के कई दिनों तक लोगों को यही लगा कि ब्रिजेश सिंह मर चुका है। सरीखे हेडर अखबारों के छापे खानों में चलने लगे, लेकिन पुलिस को पता था कि ब्रिजेश जिंदा है। इधर मुख्तार ने अपने ऊपर हुए हमले के मामले में FIR दर्ज कराई। ब्रिजेश सिंह और उसके सहयोगी त्रिभुवन सिंह समेत 15 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ इस समय मुख्तार के रसूख का अलग ही लेवल था। कुछ ही दिनों में ब्रिजेश की मौत की खबर अफवाह निकली। पता चला कि ब्रिजेश सिंह घटना के बाद फरार है। पुलिस ने ब्रिजेश सिंह को ढूंढना शुरू किया। खबरें मिली कि ब्रिजेश सिंह यूपी से बाहर रहकर अपना काम कर रहा था, कथित तौर पर अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा था। ब्रिजेश सिंह की गिरफ्तारी के बाद मुख्तार अंसारी से बात करने वाले पत्रकारों में पवन सिंह भी थे। उन्होंने बताया कि मुख्तार को पूरी तरह यकीन नहीं हुआ कि ब्रिजेश सिंह जिंदा है। मुख्तार ने बातचीत में ये भी कहा कि ब्रिजेश की काली कमाई को जब्त कराने के काम करने की जरूरत है। पवन सिंह बताते हैं कि ब्रिजेश सिंह कोयला और शराब का काम करते थे, वहीं मुख्तार रियल एस्टेट से लेकर ठेकेदारी, शराब, स्क्रैप और कोयले के धंधे में पेट बना चुके थे। लेकिन इस घटना के 2 साल बाद एक बार फिर से ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी का आमना सामना हुआ। पवन सिंह बताते हैं कि लखनऊ के कैंटोनमेंट इलाके में साल 2003 में गोलीबारी हुई थी, जिसमें कृष्णानंद राय, ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी का आमना सामना हुआ था, और पॉसिबल ये भी है कि यही वो आखिरी घटना थी जिस समय इन दोनों माफियाओं का आमना सामना हुआ था। उन्होंने बताया कि इस मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर फायरिंग की थी, जिसके बाद दोनों पक्षों को थाने में बिठाया गया था। हालांकि रसूख की वजह से दोनों ही पक्ष जेल से बाहर आ गए। साल 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या हो गई, नाम आया मुख्तार अंसारी का। इस समय ब्रिजेश सिंह ने यूपी का हिसाब फिर से छोड़ दिया और उड़ीसा चला गया। इधर फिर से ब्रिजेश सिंह के मौत की खबरें चलने लगी। बाद में 2008 में स्पेशल सेल ने उड़ीसा में अरेस्ट किया, जहां वो उस वक्त भेस बदल कर रह रहा था। ब्रिजेश सिंह जेल गया। कुछ दिनों बाद मुख्तार अंसारी को भी जेल जाना पड़ा। व्यक्तिगत तौर पर दोनों ही राजनीतिक रूप से अपनी जमीन खो चुके हैं, लेकिन परिवार में ये स्थिति नहीं है। ब्रिजेश सिंह खुद भले ही किसी पद पर ना हो, लेकिन पत्नी अन्नपूर्णा सिंह MLC है और भतीजे सुशील सिंह विधायक
भाजपा के टिकट पर। इधर मुख्तार के बड़े भाई अफजल अंसारी खुद गाजीपुर के सांसद है बसपा के टिकट पर, और मुख्तार के बड़े भाई सिपुल्ला अंसारी के बेटे सुएब अंसारी उर्फ मन्नू अंसारी सपा के टिकट पर विधायक है गाजीपुर सदर की सीट से।